पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में लगभग 1.5 माह पहले हुई पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पा रही। मृतक छात्रा के परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मृतका के परिजनों ने जिलाधिकारी और SSP से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों ने मीडिया को बताया कि कॉलेज के ही कुछ लोगों पर शक था, जिसका प्रमाण भी पुलिस को दिया गया था, लेकिन अभी तक पुलिस ने उस फरियाद पर कोई एक्शन नहीं लिया है। परिजनों ने योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरा नाम रविंद्र सिंह है। अच्छा बताइए, क्या परेशानी है आपकी? जी, हमारी बेटी राजकीय पॉलिटेक्निकल मुरादाबाद में मैकेनिकल ट्रेड की दूसरे वर्ष की छात्रा थी। हमारी बेटी की 13/5/2023 को, यानी कि उसके उसी के दुपट्टे से गला घोटकर उसकी यानी कि हत्या कर उसको पंखे के सहारे खड़ा कर दिया। उस पर्पज में हमने FIR नाम दर्ज कराई थी, जिसमें अध्यापक जो स्कूल में ही पढ़ाने वाला है मैकेनिकल ट्रेड कस्टर का अध्यापक आरिफ है, और जो यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रीवियन छात्र है, इन दोनों ये दोनों हमारी बेटी को परेशान करते थे और पिटाई करते थे और अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग करते थे, और इन्होंने हमारी बेटी को गला घोट कर उसी के पट्टे से पंखे से टांग दिया। हम पीड़ित हैं। अभी हमारे बेटी को मरे हुए 1.5 महीना हो गया है, और अभी जो है यानी कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हत्यारे जो है यानी खुलेआम घूम रहे हैं और धड़का गवाहों को धमका रहे हैं। हमने आज DM साहब के ऑफिस में आकर प्रार्थना पत्र दिया है कार्रवाई के लिए। DM साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए और दोषी जेल जाने चाहिए। तो क्या हुआ अभी तक पुलिस की कार्रवाई में? पुलिस की कार्रवाई में कुछ नहीं हुआ। पुलिस ऑफिस जाते हैं हम तो कप्तान साहब कहते हैं सिटी यानी कि जो SP साहब की कार्रवाई चल रही है, जाँच चल रही है, अभी तक दोषियों को जेल नहीं भेजा। आपके पास एविडेंस कोई ऐसा था जिसमें आपको ये शक हुआ कि उन लोगों ने वो परेशान कर दिया? जी, हमने जो है यानी कि जो छात्र है प्रीवियन इसके यानी कि जो है शिकायत जो हमने जो यानी कि वो है क्या कहते हैं वहाँ प्रधानाचार्य वह और जो यानी कि हॉस्टल वार्डन जो है विश्वकर्मा जी हैं, उनसे हमने लिखित शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। लड़का जो है यानी कि उसके मौसी जो है यानी कि जिला जज हैं। नहीं, आपके पास में कोई ऐसा एविडेंस था कि इसमें प्रताड़ित किया जा रहा था आपकी बेटी? जी, क्या था? हमने प्रार्थना पत्र दिया था, हमारी बेटी ने हमें बताया था, तो हम पर लिखित हमारी बेटी के यानी कि हैंड राइटिंग में ही प्रार्थना पत्र है हमारे पास। अच्छा, उसमें शिकायत दी थी। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? उसमें भी हमने दिखाया SP यानी कि जो SP सिटी को भी दिखाया, तो उन्होंने कहा ठीक है जाँच चल रही है, अभी दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, और हम परेशान हैं, पीड़ित हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।